संजय जोशी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई में कांग्रेस ने मौका खोज निकाला मोदी पर हमला करने का। सुनिए बीजेपी के आंतरिक मामले में गुजरात कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाड़िया ने कैसे दी है दखल। जो नरेंद्र मोदी, हरेन पंड्या, केशुभाई पटेल, डॉक्टर ए के पटेल, काशीराम राणा, सुरेश मेहता और अभी संजय जोशी से लेकर कई जो कार्यकर्ता लीडर्स थे, उसकी क्या हालत कर दी है उसके आज के दिनों में। और ये नरेंद्र मोदी को सिर्फ फंड के लिए कितने हद तक वो छूट देकर रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के महज कुछ महीनों पहले संजय जोशी के ये पोस्टर बीजेपी के अंदर एक बड़े कलह की कहानी बयान करते हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और संजय जोशी में बनती नहीं है। दोनों के बीच झगड़ा काफी पुराना है। दोनों के बीच एक ही बात कॉमन है कि दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले नेता हैं और दोनों को संघ बहुत पसंद करता है। लेकिन आज दोनों के बीच तलवारें खींची हुई हैं। इस झगड़े की सबसे ताजा कड़ी तो मुंबई में देखने को मिली। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी ने ठान ली थी कि मुंबई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संजय जोशी नहीं दिखने चाहिए। मोदी की जिद के आगे बीजेपी को झुक